सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूजी निंशु को मारने की कोशिश कर रहा था, तो चेन ने लूजी का पावर कोर तोड़कर उसे जान से मार दिया था। चेन यून और हे की फाइट रोकने के लिए गया था, मगर चेन को सीनियर क्यू हाओ ने रोक लिया। तो चेन ने हाओ क्यू को कंपटीशन करने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं कि सीनियर हाओ क्यू चेन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने जाओ लांग और वेंग यांग को हरा दिया है, तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड डिसिपल बन गए हो, मगर ऐसा नहीं है, तुम अभी भी मेरे जूनियर हो। तो चेन कहता है कि हम दोनों 1-for-1 डील करते हैं। ये सुन कर एक डिसिबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दूसरा डिसिबल उसे बताता है कि चेन हे के लिए हाओ क्यूई से फाइट करना चाहता है। फिर हाओ क्यूई चेन की बात मान जाता है और यून क्यूई हे को एक किक मारकर वहां से चला जाता है। तो चेन जल्दी से हे के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। हे की हालत देखकर चेन काफी दुखी होता है, तो हे चेन से कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई। तो चेन हे से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहाँ जियोंग आता है जो चेन और हे को देखकर उनके पास आता है। जियोंग हे की हालत देखकर काफी दुखी होता है। फिर चेन हे को जियोंग को देखकर कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। तो जियोंग हे को एरिना से बाहर ले जाकर अपनी पावर से ठीक करने लगता है। चेन गुस्से से हाओ क्यू की तरफ देख रहा था, जिससे सारे डिसिपल्स को पता चल जाता है कि चेन हाओ से फाइट करने वाला है। फिर चेन हाओ से पूछता है कि हम दोनों फेंग यून एरिना में फाइट कर रहे हैं, अगर तुम गए तो क्या होगा। तो हाओ कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, अगर फिर भी तुमने मुझे हरा दिया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तो चेन अपनी पावर एक्टिवेट करके हाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तो हाओ भी अपनी पावर से चेन पर अटैक करता है, मगर चेन उसके सारे अटैक से बच जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। ये देखकर एक डिसिबल कहता है कि बहुत वक्त हो गया है और अब चेन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो दूसरा डिसिबल कहता है कि चेन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हाओ को नहीं हरा पाएगा क्योंकि हाओ रेन युआन स्टेज पर है। फिर हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके चेन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर चेन तेजी से उसके अटैक से बचकर अपने ट्रू फायर फेदर्स को एक्टिवेट करके हाओ पर अटैक करता है, जिससे हाओ दूर चला जाता है। ये देखकर डिसिबल कहता है कि चेन इनकी स्टेज पर होकर हाओ से आसानी से फाइट करके उस पर भारी पड़ रहा है। ये सुनकर हाओ गुस्सा होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी कोल्ड वेव ब्रेक ट्रिक से चेन पर हमला करता है। तो चेन भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उस हमले को रोकता है। चेन का अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से एक ब्लास्ट होता है और हाओ हवा में उड़ जाता है। तो चेन फिर से अपने ट्रू फायर फेदर्स को एक्टिवेट करके हाओ पर अटैक करने के लिए जाता है, तो हाओ भी उड़ते हुए चेन पर अटैक करता है, मगर चेन उसके अटैक को रोककर तेजी से हाओ को मारने लगता है और चेन एक पंच मारकर हाओ को नीचे गिरा देता है। यह देखकर डिसिपल्स को भरोसा नहीं होता कि चेन निंग की स्टेज होकर भी इतना पावरफुल कैसे है। एक डिसिबल कहता है कि आओ बहुत स्ट्रॉन्ग है और नान जियांग फैमिली से है, फिर भी वो निंग की स्टेज वाले चेन को नहीं हरा सकता है। ये सब बातें सुनकर हाओ काफी गुस्सा होता है और स्पिरिचुअल लाइटनिंग स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे सारे डिसिबल्स नीचे गिर जाते हैं। पर जियोंग अपने आसपास शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे जियोंग और हे को कुछ नहीं होता। फिर हाओ लाइटनिंग स्पेल से चेन पर अटैक करता है, तो चेन ट्रू फायर शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है। ये देखकर डिसिबल कहता है कि फेंग यून एरिना में लाइटिंग स्पेल यूज करने पर मौत की सजा दी जाती है। तो दूसरा डिसिबल कहता है कि हाओ के मास्टर रेंग यांग पी के लीडर है और नान जियांग क्यू फैमिली के यंग मास्टर भी है, इसलिए हेंग्यू सेक्ट हाओ को सजा नहीं देगा। वही हाओ खुश होकर हंसने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि लाइटनिंग स्पेल की वजह से चेन मर गया है। पर इस मौके अड़ते ही चेन खड़ा होता है, जिसकी बॉडी पर ट्रू फायर जल रही थी। उसे देखकर हाओ काफी हैरान था। जियोंग चेन को देखकर कहता है कि चेन ट्रू फायर से ब्लेस्ड है, इसीलिए उसे कुछ हुआ। यह सब देखकर डिसिपल्स भी कहते हैं कि चेन पूरी तरफ लाइटनिंग स्पेल से हिट हुआ था, फिर भी चेन जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। फिर चेन हाओ की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि सेज बॉडी रिफाइनमेंट की वजह से मैं जिंदा बच गया हूँ और लाइटनिंग स्पेल के एक्सप्लोजन की वजह से मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया हूँ। फिर हाओ चेन पर हमला करने के लिए आता है, तो चेन भी हमला करने के लिए स्पीड से हाओ की तरफ जाता है। हाओ चेन पर अटैक करता है, मगर चेन उस अटैक से बचकर हाओ पर अपने ट्रू फायर फिस्ट से अटैक करता है, जिससे हाओ हवा में उड़ जाता है। तो हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी एरो विंड ब्लेड ट्रिक से चेन पर अटैक करता है। उन अटैक से बचकर चेन स्पीड से हाओ के पीछे जाकर उसे पकड़कर जमीन पर फेंकता है। फिर चेन बहुत स्पीड से हाओ को मारकर दूर फेंकता है, जिससे हाओ को काफी दर्द
प्रतीत होता है। चेन अपनी हेवनली रेड स्वॉर्ड को लेकर कहता है कि तुम हार गए हो। तो हाओ गुस्से से कहता है कि तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की है, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो चेन हाओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम नान जियांग की फैमिली से हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर चेन अपनी शॉर्ट फोर्स से हाओ के पैर पर अटैक करता है, जिससे हाओ नीचे गिर जाता है। फिर चेन कहता है कि तुम हेंगयुन सेट के डिसिपल हो और तुमने फेंगयुन एरिना में लाइटनिंग स्पेल का यूज किया है। ये सब करके तुमने सेक्ट के नियम तोड़े हैं, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी और तुम्हें मारने के बाद मुझे कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने सेक्ट के नियम तोड़ने वाले को जान से मारा है। ये कहकर चेन अपनी शॉट को एक्टिवेट करके हाओ की तरफ फेंकता है, जिससे डरकर हाओ बेहोश हो जाता है। इससे कुछ लोगों को लगता है कि चेन ने हाओ को मार दिया है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि हाओ डर की वजह से बेहोश हो गया है। फिर चेन अपनी हेवनली रेड स्वॉर्ड लेकर जियोंग और ए के साथ वहाँ से चला जाता है। तो यून हाओ के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ मास्टर क्विंग यांग पिक आकर पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यून उन्हें बताता है कि चेन ने हाओ को मारकर उसकी हालत की है। यह सुनकर मास्टर क्विंग यांग काफी गुस्सा होते हैं, फिर भी वो चेन को जाने से नहीं रोकते। वही रात को मास्टर डियांग मास्टर क्विंग यांग से कहते हैं कि तुम रात को बहुत कम बाहर निकलते हो। तो मास्टर क्विंग यांग कहते हैं कि मैं आज का फुल मून बहुत ब्यूटीफुल था, जिसे देखने के लिए मैं आया था, लेकिन एक मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। दरअसल दोनों चेन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि चेन ने मास्टर डियांग और मास्टर क्विंग यांग के डिसिपल्स को मारा था। फिर मास्टर डियांग कहते हैं कि इस मच्छर ने हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी की है, और अगर मच्छर ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो क्यों ना इसे मार दिया जाए। ये सुनकर मास्टर क्विंग यांग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो मास्टर डियांग कहते हैं कि हमारे ट्रू डिसिपल्स काफी वक्त से शांत है, उन्हें एक्सरसाइज करवाने के लिए हमें उन्हें बाहर लेकर आना चाहिए, ताकि वो इस मच्छर को मार पाए। दरअसल दोनों अपने ट्रू डिसिपल्स की मदद से चेन को मारने की बात कर रहे थे। इस बात पर मास्टर क्विंग यांग भी राजी होते हैं। अगले दिन है अपनी ब्लैक आयरन स्टाफ से प्रैक्टिस कर रहा था। चेन काफी थक गया था, इसीलिए कल्टिवेशन करने के लिए अपने रूम में जाता है। चेन को याद आता है कि मेरे पास लूजी के सामान की थैली है। तो चेन उस थैली में से सामान निकालता है, उसमें काफी चीजें थी जिन्हें देखकर चेन काफी खुश था। चेन एक ओवन को उठाकर देखने लगता है, तो ट्रू फायर चेन की बॉडी से बाहर आकर ओवन के पास जाती है, जिसे चेन समझ जाता है कि ओवन एक ट्रेजर है। पर चेन सोच में पड़ गया था कि इस ओवन में ऐसी क्या खास बात है। फिर चेन को याद आता है कि मेरे पोर्ट ने वेंग वांग की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से मुझे स्विफ्ट शेडो इल्यूजन की पावर मिली थी। तो हो सकता है कि मेरा पोर्ट इस ओवन को भी एब्जॉर्ब कर ले। तो चेन अपने पोर्ट को बाहर निकाल कर उसे ओपन करता है, तो पोर्ट ओवन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखकर चेन काफी हैरान होता है और चेन को पोर्ट में कुछ दिखाई देता है। तो चेन पोर्ट को ऊपर करके देखने लगता है, जिससे पोर्ट के अंदर का रेड लिक्विड चेन के मुंह में चला जाता है, जिससे चेन की ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है। तो चेन कल्टिवेशन करने लगता है और रेड लिक्विड ट्रू फायर में जाकर चेन के कोर की पावर बढ़ा देता है। इससे चेन को थोड़ा दर्द होता है, पर चेन ये सब सहन कर लेता है, जिसकी वजह से चेन की बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है और चेनिंग की लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 8 पर पहुंच जाता है। फिर चेन सोचता है कि अच्छी चीज है, लेकिन यह काफी कम है। तो चेन जंबो की स्वॉर्ड उठाकर देखने लगता है, तो चेन को जंबो की स्वॉर्ड में स्काई साइलेंस स्पीड पिल का टुकड़ा मिलता है। दरअसल जंबो ने एल्डर और बाकी लोगों से फाइट करते वक्त स्काई साइलेंस स्पीड पिल का टुकड़ा अपनी स्वॉर्ड में छिपा दिया था। यह देखकर चेन काफी हैरान होता है। वहीं ब्लड थ्रिस्टी हॉल के लिए काम करने वाला लड़का अपने मैजिक से एक आदमी को पकड़कर उससे स्काई साइलेंस स्पीड पिल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उस आदमी को पिल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो लड़का उस आदमी को जहाँ से मार देता है, वहीं चेन बाकी चीजों को अपने पास रखकर खुश होकर सोचता है कि इस बार मुझे स्काई साइलेंस स्पीड पिल मिल गई है। तभी बाहर से चेन को किसी की आवाज आती है, तो चेन बाहर जाकर देखता है, तो एक आदमी नाइफ से चेन पर अटैक करता है, जिसे चेन अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो आदमी कहता है कि मैं रेन यांग पीक से तांग चाओ हूँ, मुझे तुमसे फाइट करनी है और मैं फेंगयुन एरिना में तुम्हारा वेट करूंगा। यह कहकर तांग चाओ वहाँ से चला जाता है, जिससे चेन काफी गुस्सा होता है। दरअसल तांग चाओ क्यूई हाओ का सीनियर है और वो हाओ को मारने के लिए चेन से बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।